हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल मॉम स्पेशल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रिंग समोसा। ये कुछ अलग सा है। आपने समोसे तो बहुत खाए होंगे, पर ये अलग तरह से बनेगा रिंग शेप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, रिफाइंड ऑयल, आलू 2 बड़े उबले और मैश किए हुए, 1 कटोरी मैदा और थोड़ा पानी। ये मैदा हमने जो लिया है 1 से 2 चम्मच लिया है बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारे जो समोसे हैं उसको हम अच्छे से चिपका सकें। 1 चम्मच हल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, इसमें जो हमने 1 कटोरी मैदा डाला है इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन, और ये जो नमक लिया है इसमें से कुछ नमक हम डालेंगे मैदे में और कुछ हम डालेंगे इसकी स्टफिंग में। ऐसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड, और अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, हमें इस तरह का टेक्सचर चाहिए। ये देखिए कैसे बाइंड हो रहा है ना रिफाइंड डालने के बाद। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमारा डो तैयार है। अब हमें इसे 10 मिनट तक रेस्ट कराना है ढक के। ये देखिए, इस तरह का नरम डो चाहिए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। हमने एक पैन गैस पे रख दिया है। अब हम उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसमें डालेंगे जीरा और इसे भूनेंगे। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे और भूनेंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, और इसे मिक्स करेंगे। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे और इसे मिक्स करके गैस ऑफ कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो भी तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब हम इसे इस तरह से बेल लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे और इसे इस तरह से मोड़ लेंगे और इसे इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। और जो टुकड़ा हमने निकाला था, अब हम इसके यहाँ कॉर्नर पे मैदे का घोल लगाएंगे और इसे चिपकाते हुए इसे इसका सारे मुंह बंद ऐसे कर लेंगे। हमारे सारे रिंग्स तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि इनके अंदर जो नमी हो वो सूख जाए। हमारा तेल गरम हो चुका है और हमारे रिंग्स रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। तो हम एक एक करके इसमें रिंग्स डालेंगे। हमें हीट को तेज नहीं रखना है, मीडियम आंच पर रखना है।
हमारे रिंग समोसे बनकर तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।